Islamic, or do they like share, comment, subscribe? Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں हर चीज की इब्तिदा होती है और उसकी इंतहा भी होती है। जहां शुरुआत होती है वहां इख्तिताम भी होता है। एक चीज की इब्तिदा एक किनारे से है तो उसकी इंतहा दूसरे किनारे पर होती है। इंसान की जिंदगी की इब्तिदा उसकी पैदाइश से है, उसकी विलादत से है और उसकी इंतहा मौत के साथ है। इंसान की जिंदगी को अल्लाह ताला ने दो हिस्से में रखा है, एक दुनियावी जिंदगी पैदाइश और मौत। ये आरजी जिंदगी है, लिमिटेड टाइम, और एक है मरने के बाद की जिंदगी, लामहदूद जिंदगी, जिसकी इब्तिदा तो होगी लेकिन उसकी इंतहा नहीं है। दुनिया की जिंदगी पैदाइश से शुरू होती है, मौत के साथ खत्म हो जाती है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को, इस जहां को, इस दुनिया को बनाया ही आरजी तौर पर है। इसकी तखलीक और पैदाइश आरजी तौर पर है कि ये दुनिया आरजी है। एक वक्त था जब अल्लाह ने चाहा तो इस कायनात को, इस रंगों को और इस जहान को अल्लाह ने बनाया, और एक वक्त आने वाला है कि अल्लाह ताला
इस आसमान के शामियाने को, जमीन के फर्श को लपेट कर रख देंगे, खत्म कर देंगे, जिसे हम कयामत कहते हैं। और इसी कयामत को अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरत में इसका नक्शा किया। अब ताला शानु फरमाते हैं, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब रुए जमीन को सख्त तरह से झंझोड़ दिया जाएगा, हिला दिया जाएगा। जलजले का माना है जुम्बिश, हरकत, हिलना, और किसी चीज को सख्त तरीके से झंझोड़ा जाए। ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, अल्लाह फरमाते हैं कि जमीन को हम हरकत देंगे, झंझोड़ देंगे सख्त तरीके से। इसे कायनात के अंदर कयामत कहते हैं, और ऐसे सख्त तरीके से अल्लाह ताला इस रूए जमीन को और इस कायनात को, इस दुनिया को, इस जहां को झंझोड़ेंगे। वअखरजतिल अर्ज़ु अथ्क़ालहा, अब ताला शानु फरमाते हैं कि इतनी सख्त तरीके से हम इस जमीन को, इस कायनात को, दुनिया को झंझोड़ने वाले, इस जमीन के अंदर के दफीने के, उसके बोझ को, उसके खजाने को बाहर निकाल फेंकेंगे, उलट फेर कर देंगे, ऊपर की चीज नीचे, नीचे की ऊपर, जमीन अपने खजाने को बाहर निकाल फेंकेगी, अपने दफीने को बाहर निकालेगी। जमीन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इंसान भी मरने के बाद जमीन में जाता है तो मुर्दे भी उखेड़ कर फेंक देगी ये जमीन, और जमीन में जितने भी खजाने हैं, दफीने हैं, वो भी ऊपर आ जाएंगे। जो लोग दुनिया के अमवाल से, यहाँ के खजाने से, यहाँ के माल और दौलत से मरऊब थे, जिनके दिल में दुनिया के माल और दौलत की चाहत थी, वो अपनी आंखों से देखेंगे कि जिस खजाने के लिए हमने कत्ल किया था, जिस माल के लिए हमने पड़ोसियों को सताया था, जिस दौलत के लिए हमने अपने रिश्तेदारों का हिस्सा और हक मारा था, ये वही माल और दौलत है, ये वही खजाना है, आज बिल्कुल बिखरा पड़ा है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई लेने वाला नहीं। وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, अब ताला शानु फरमाते हैं कि हम जमीन से उसके खजाने और दफीने को निकाल देंगे। ये असल में अब ताला शानु दुनिया के माल और दौलत, यहाँ के अमवाल, यहाँ की चमक दमक को बतला रहे हैं कि जिसकी कोई हकीकत, कोई हैसियत नहीं। तो जब कयामत का जलजला होगा और अल्लाह ताला इस दुनिया को खत्म फरमा देंगे, उसके बाद जब अल्लाह ताला मैदान महशर में लोगों को जमा फरमाएंगे, अब वहां से दूसरी जिंदगी शुरू होने वाली है। और ये ऐसी जिंदगी कि जिसकी इब्तिदा तो होगी लेकिन इंतहा नहीं होगी। इंसान की दुनिया की जिंदगी के हिसाब किताब वहां होंगे, वहां खरे और खोटे को परखा जाएगा, अच्छे और बुरे को अलग किया जाएगा, नेक और बद के दरमियान इम्तियाज हो जाएगा, निकोकार और बदकार में फर्क वहां जाहिर होगा। दुनिया में तो जाहिर में जो लोग नेक मालूम होते हैं, लोग धोखा खा जाते हैं कि ये बड़ा नेक इंसान है, लेकिन उसकी निजी जिंदगी, उसकी अंदरूनी जिंदगी, उसकी अपनी एक अलग जिंदगी होती है कि जिसके अंदर वो गुनाह भी कर बैठता है उसका किसी को इल्म नहीं। और बाज लोग बजाहिर देखने में मालूम होते हैं कि ये नाफरमान है, लेकिन उनके दिल का मामला अल्लाह के साथ इतना साफ सुथरा होता है कि वो निकोकारों में शामिल हो जाते हैं।
तो दुनिया के अंदर इम्तियाज और तमीज मुश्किल है। जाहिर से आदमी फैसला करता है और जाहिर की वजह से इंसान कभी धोखा भी खा जाता है। वहां अल्लाह के यहां जो मीजान लगेगी, इंसान के आमाल तोले जाएंगे, नेकियां तोली जाएगी, उसकी बुराइयां तोली जाएगी, और वहां नाइंसाफी नहीं होगी। दुनिया के अंदर तो कभी कभार रियायत के तौर पर छोड़ दिया जाता है, चलो यहां एक चांस देते हैं, मोहलत देते हैं, सुधर जाओ, लेकिन वहां अदल और इंसाफ होगा, वहां मीजान कायम होगी, वहां इंसान के आमाल तोले जाएंगे। लोग सोचते हैं कि आमाल तो दिखने वाली चीज नहीं है, गैर मरी चीज होगी, वो तो उसे कैसे तोला जाएगा, उसका कैसे वजन किया जाएगा। तो दुनिया में ऐसे भी आलात मौजूद हैं कि जिसकी वजह से गैर मरी चीजों को भी नापा और तोला जाता है। मिसाल के तौर पर हवा देख लीजिए, गाड़ी के अंदर हवा होती है पता नहीं होता है, लेकिन उसको भी नापा जा रहा है। तो अल्लाह के यहां का मीजान और वहां की तराजू, अफताला शानू अहकमुल हाकिमीन है, कादिर मुतलक है, कुन फयकून के मालिक हैं, जो चाहे कर सकते हैं। जब एक मामूली इंसान इतनी सारी चीजें ईजाद कर सकता है तो अहकमुल हाकिमीन और परवरदिगार आलम की कुदरत का क्या, परवरदिगार की कुदरत का क्या आलम होगा। और वहां इंसान नेकी और बुराई की वजह से अलग किए जाएंगे। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, फमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने छोटी सी छोटी नेकी की होगी वो भी उसे देख लेगा, मामूली सी नेकी, राई के दाने के बराबर अगर कोई नेक अमल किया है वहां कयामत के दिन उसे देख लेगा। आदमी नेकी करके भूल जाता है और छोटी छोटी नेकी उसे याद नहीं रहती, लेकिन अल्लाह के यहां रजिस्टर में लिखने वाले फरिश्तों ने उसे नोट किया है, और यही छोटी नेकियां भी उसके लिए वहां नजात का जरिया बन जाएगी। किसी को धोखा नहीं दिया जाएगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी। फरमाएंगे कि देखिए फुला अमल तूने फुला वक्त किया था जो तुझे याद भी नहीं पड़ता, लेकिन हमारे यहां रजिस्टर में लिखने वाले फरिश्तों ने उसे लिखा है। وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, अब ताला शानू फरमाते हैं कि मामूली सी नेकी भी हम दिखाएंगे और छोटे से छोटा गुनाह भी, बुराई भी इंसान वहां देख लेगा। छोटे छोटे गुनाह, बाद लोग ये समझते हैं कि ये तो सगीरा गुनाह है, छोटे गुनाह है, ये तो माफ हो जाएंगे, लेकिन बाद मरतबा सगीरा गुनाह से भी पकड़ हो जाती है। आदमी बार बार सगीरा गुनाह करता रहता है और गुनाह के ऊपर वो जुर्अत कर बैठता है तो अल्लाह के यहां वो भी कबीरा बन जाता है। गुनाहों की आदत इंसान को कबीरा गुनाह तक पहुंचा देती है। तो छोटे गुनाह हो या बड़े गुनाह हो, कभी भी आदमी इसको नजरअंदाज न करे। एक अल्लाह वाले ने फरमाया कि भाई जब तू गुनाह कैश में करता है तो माफी भी कैश में मांग ले। अब यहां गुनाह जो उसे बताए जाएंगे ये वो गुनाह होंगे जो ईमान की हालत में दुनिया से वो बगैर तौबा के गया है। गुनाहों पे अगर आदमी तौबा कर लेता है, माफी मांग लेता है, अल्लाह ताला उन गुनाहों को तो माफ कर देते हैं, लेकिन वो गुनाह जिस पर वो माफी मांगे बगैर, तौबा किए बगैर दुनिया से चला गया, अल्लाह फरमाते हैं कयामत के दिन वो गुनाह हम तुम्हें बताएं। इसलिए मशाइख ने लिखा है कि रात को सोने से पहले बिस्तर पर चंद मिनटों के लिए मुराकबा करो, अपने दिन भर के आमाल का जायजा ले, जहां नेकियां हुई है
उन नेकियों पर शुक्र बजा लाए कि अल्हम्दुलिल्लाह सुबह में आज मैंने फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद सूरह यासीन की तिलावत की, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। जितने भी नेक आमाल हुए हैं उस पर शुक्र करता जाए, और जहाँ कोई लफ्जिश हुई है, कोई गुनाह हुआ है, तो माफी मांगता जाए कि अल्लाह आज सुबह के वक्त मैंने फुला गुनाह कर लिया, फुला आदमी का दिल दुखा दिया, फुला पड़ोसी को तकलीफ पहुंचा दी, फुला काम मैंने गलत कर दिया, मेरी निगाहें गलत जगह चली गई, जबान से नाजेबा अल्फाज निकल गए, उस पर माफी मांगता जाए, ए अल्लाह फुला गुनाह भी माफ कर दे, फुला गुनाह भी माफ कर दे। अल्लाह ताला उन गुनाहों को मिटाते जाते हैं। और शुक्र करने वालों के लिए तो जाहिर है कि अल्लाह ताला ने नेमतों के वादे किए हैं। एक तरफ आप शुक्र अदा करते जाइए, अल्लाह ताला की नेमतें लुटाते जाएंगे, और नाशुक्री की वजह से अब ताला शानहू बंदे की नेमतों को छीन लेते हैं, ले लेते हैं। बाज मरतबा माँ बाप गुस्से की वजह से बच्चे परेशान करते हैं, कहना नहीं मानते तो जबान से नाजेबा अल्फाज निकालते हैं। और खासकर माँ जब बच्चे परेशान करते हैं तो उसकी जबान से जुमला निकलता है, तो मर क्यों नहीं जाता, परेशान करता है मर क्यों नहीं जाता, इससे तो अच्छा होता कि मैं बे औलाद होती। अब ये जुमला उसकी जबान से निकल गया, वो भूल भी गई, फिर अल्लाह की तरफ से कभी पकड़ आती है, हादसे हो जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ हो गया, और बच्चा दुनिया से चला गया, इंतकाल कर गया। अब वही माँ सर पीट कर रोती है कि कितनी तमन्नाओं के बाद, आरजू के बाद, दुआओं के बाद हमने ये औलाद मांगी थी, और अभी तो जवान होने से पहले ये दुनिया से चली गई, इंतकाल कर गई। अरे ये आपके ही जुमले हैं, तुमने ही ये जुमला कहा था कि तुम मर क्यों नहीं जाता, वो जुमला अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया। इसलिए अपनी जबान से ऐसा कोई जुमला अपनी औलाद के लिए न निकाले जिसकी वजह से औलाद भी आजमाइश में आ जाए और आप भी तकलीफ में मुब्तला हो जाओ। अपनी जबान पर कंट्रोल हो, अपनी औलाद के लिए हमेशा नेक दुआएं, नेक अल्फाज, अच्छी बातें निकाले। और माँ बाप की दुआ जितनी तेजी के साथ और जितनी जल्दी अल्लाह के दरबार में पहुंचती है, शायद किसी और की दुआ इतनी जल्दी नहीं पहुंचती। इसलिए अपनी औलाद के लिए दुआओं का एहतमाम करें, अल्लाह से मांगे, अपने लिए भी मांगे, अपनी औलाद के लिए मांगे, अपने वालिदैन के लिए मांगे। आज उम्मत ने अल्लाह से मांगना छोड़ दिया, सिर्फ नमाज के बाद जब इमाम हाथ उठाता है रब्बना आतिना, उस वक्त हमारे हाथ उठे, और कभी खारजी वक्त में अल्लाह से मांगने की तौफीक हमें नहीं है। अपने रब से तन्हाइयों में मांगिए, अपने रब को राजी कीजिए। जिस फितने के दौर से हम गुजर रहे हैं वहां हमारे ईमान के सौदे हो रहे हैं, हमारे इस्लाम के साथ बगावतें हो रही है, ऐसे वक्त में एक ईमान वाले और एक मुसलमान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी ये है कि खुद भी दीनदार बने, अपने घर में भी दीन लाए, अपने इलाके और मोहल्ले में भी दीन लाने की कोशिश करे। घर के अंदर भी तालीम हो, तरबियत हो, तिलावत कुरान हो, नमाजों का एहतमाम हो, तो वो घर घर कहलाता है। और जिस घर में बेहयाई है, कहीं टीवी चल रहा है, कहीं मोबाइल में लगे हैं, फहश गाने बज रहे हैं, नंगे नाच देखे जा रहे हैं और बेहयाई के सारे काम हो रहे हैं, लोग शिकायत करते हैं कि बरकतें नहीं होती घर में, हालात हैं, तकलीफ है, मुसीबत है, हमने सारे हालात वाले काम किए, तकलीफों को हमने दावत दी, मुसीबतों को हमने मोल लिया, फिर शिकायत ये करते हैं कि बड़े हालात आ रहे हैं। अरे पंज वक्ता नमाजों का एहतमाम करें, दिन की इब्तिदा सूरह यासीन की तिलावत से हो, रात की इब्तिदा सूरह वाकिया और सूरह तबारक से हो, जब दरमियान के अंदर भी अल्लाह का जिक्र हो, घरों में भी नमाजें हो, तिलावतें हो, फिर देखिए कि अल्लाह ताला उस घर को कैसे जन्नत का नमूना बना देते हैं।
अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हर छोटे से छोटी नेकी का अल्लाह ताला हमें दाई और जज्बा दे, और छोटे से छोटे गुनाहों से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।